Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Nykaa is back with their Pink Friday sale, and as usual, Nykaa is kind enough to send me a huge goodie bag, जिसके अंदर सारे वो products हैं जो बहुत अच्छी deal पे available हैं. By the way, this video is not at all sponsored by Nykaa. They just send us these PR kits for promotion, लेकिन ये video बिल्कुल भी sponsored नहीं है. And before that, make sure आपने subscribe button को already hit कर दिया, like button को, because I know you will love this video. So without any further ado, let's dive into this particular बैग. सबसे पहला आइटम दिखा देती हूँ, जिसकी वजह से दो तीन आइटम्स मेरे रुइन हो गए, बिकॉज ये सैडली लीक हो गया था. सबसे पहला आइटम है ये ट्रेस्मे का हेयर फॉल डिफेंस केराटिन फिलर शैम्पू. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ ह्यूज बॉटल. जब भी नायका की सेल आती है ना, ऐसे बड़े बड़े शैम्पू रीस्टॉक कर लिया करो, बिकॉज ये आपको 30-40% ऑफ में मिलते हैं. जो भी ब्रांड की डील्स हैं, बाय द वे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी, सो आपको पता चल जाएगा ट्रेस्मे पे क्या डील चल रही है. मैंने ट्रेस्मे का केराटिन वाला पहले रेड कलर का जो शैम्पू आता है केराटिन स्मूथ, वो रेंज ट्राई करी हुई है. आई लव इट. मैंने रिसेंटली उसका शैम्पू फिनिश किया है, आपको मेरे फ्यूचर एमटीज में दिख जाएगा. सो ट्रेस्मे ने सल्फेट जो है अपने शैम्पूज में थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, सो अब इनके शैम्पूज में उतना सल्फेट नहीं है. सो अगर आप वंस इन अ वीक या फिर वंस इन 15 डेज, मैं खुद कोशिश करती हूँ बीच बीच में सल्फेट वाले शैम्पूज यूज कर लूँ, बिकॉज अगर आप हर टाइम सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करते रहोगे ना, आपके बालों में रेसिड्यू रह जाएगा, आपके बाल अच्छे साफ नहीं होंगे. सो वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम एम कैफीन. ये है ब्लूबेरी स्वर्ल सीरम बॉडी लोशन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एम कैफीन की कॉफी बॉडी स्क्रब की तो मैं फैन हूँ. यू गाइज हैव सीन माई प्रॉपर रिव्यू ऑन इट. अभी भी यूट्यूब पर उस पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं. बहुत अच्छा स्क्रब है. मैं खुद सेल पे शायद इस बार स्टॉकअप करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. इनफैक्ट फॉर मेन एज वेल. मैंने अमन को भी ट्राई करा था, ही ऑल्सो लव्ड इट. बहुत अच्छे से बॉडी की जो डेड स्किन होती है ना, वो बहुत अच्छे से निकल जाती है. सो सुपर एक्साइटेड ट्राई दिस वन. ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया. दिस इज अ ब्लू वेरी नायसिनमाइड कोकोआ बटर एक्सट्रैक्ट से बना है. डीप स्किन मॉइस्चराइजेशन देता है. विंटर्स में तो वैसे भी मॉइस्चराइजर हमें चाहिए ही होते हैं. अगेन फॉर बॉडी लोशन परफेक्ट टाइम. अगर आपको कोई भी बॉडी लोशन लेना है, डव का या फिर कोई भी अच्छी ब्रांड का, आप इस टाइम पे ले सकते हो. दिस इज हर्बल एसेंस का आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को रिपेयर रियल बोटानिकल कंडीशनर. आई ऑलरेडी हैव द शैम्पू ऑफ दिस वन. ये कंडीशनर है जो छोटे बॉटल में आता है, वेरी नाइस. ये जो हर्बल एसेंस की ये वाली मोरक्को रेंज है ना, ये बहुत अच्छी है. बहुत अच्छे से नरिशमेंट देती है. अब जो वेदर आ रहा है ना विंटर का, जब बाल बहुत अजीब से ड्राई हो जाते हैं, सूखे सूखे डल फील होते हैं, उसमें तो ये बहुत अच्छी रेंज है. सो अगर आप एक अच्छा शैम्पू ढूंढ रहे हो ना एंड कंडीशनर एज वेल, ट्राई दिस वन. ये अभी नायका की सेल पे आपको बहुत अच्छी रिव्यू मिलने वाला है, सो आप डेफिनेटली रीस्टॉक कर सकते हो. नेक्स्ट आइटम इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट. ये है प्लम का नेचर स्टूडियो ऑल डे वेयर कोल काजल. प्लम का जो वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किया था, परचेज किया था, वो यही काजल था. बहुत अच्छा काजल है. मैंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत यूज किया है. इसके साथ शार्पनर भी काफी अच्छा आता है. सो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग काजल ढूंढ रहे हो, बिकॉज ट्रस्ट मी, मॉर्निंग में किसी के पास टाइम नहीं होता लिक्विड लाइनर यूज करने का. एक तो लिक्विड लाइनर ड्राई नहीं होता. आप अगर थोड़ा बहुत भी इधर-उधर लग गया ब्रश, पूरी आपकी लुक खराब हो जाती है. फिर स्मच करो सुबह के टाइम पे. अगर आप बहुत जल्दी में हो, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, फटाफट से आई स्ट्रेच करी, इसको एक लाइन लगाई एंड दैट्स इट. ये लिटरली लाइनर से ज्यादा लंबा चलता है, बिकॉज ये जेल फिनिश का काजल है. इसके अलावा आप प्लम के परफ्यूम ले सकते हो. मुझे इनके मिनी EDPs बहुत पसंद है. छोटे छोटे परफ्यूम्स आते हैं, आई लव दोज. वो आप डेफिनेटली स्टॉकअप कर सकते हो इस टाइम सेल पे. सो आप जितने भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लोगे, आपको उतने अच्छे फ्रीबीज मिलेंगे. नेक्स्ट आइटम इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई वॉज वेटिंग फॉर द वीडियो की जब शूट करूंगी तभी निकाल के चेक करूंगी, ताकि एक एक्साइटमेंट बनी रहे. ये है टिप्सी ब्यूटी का ऑन एंड ऑफ लिपस्टिक एंड इरेजर. सो ये कुछ इस तरह से दिखता है. सो ये एक इरेजर भी है, लिपस्टिक भी है. सो बेसिकली इसमें 2-in-1 प्रोडक्ट है. एक साइड से आप लिपस्टिक लगा सकते हो और एक साइड इन्होंने कुछ इरेजर जैसा लिक्विड दिया है, जिससे अगर आपकी लिपस्टिक यहाँ से ब्लीड करती है निकलती है. लाइक आई हैव रियली थिन लिप्स, और जब भी मैं शेप देती हूँ थोड़ी बहुत लिपस्टिक निकल ही जाती है. सो ये काफी अच्छा एक मुझे इनोवेटिव प्रोडक्ट लगा है. इस पर तो मैं डेफिनेटली प्रॉपर रील बनाने वाली हूँ. द पैकेजिंग लुक्स वेरी प्रिटी. बिल्कुल शार्लेट टिल्बरी वाली वाइब जिससे आ रही है. आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है. यहाँ पे ऑन ऑफ इन्होंने लिखा हुआ है. सिप हैपन्स का जो शेड है, ओह इट्स अ वेरी प्रिटी शेड. दिस इज माई काइंड ऑफ शेड जो मैं लगाना प्रेफर करती हूँ. अ वेरी प्रिटी न्यूड ब्राउन शेड जो दिखता है कुछ इस तरह से. वेरी प्रिटी. दिस इज वेरी नाइस. इसकी टिप कितनी डिफरेंट है. सो ये बेसिकली ऑफ साइड है. अगर आप इसको ऐसे वाइप ऑफ करोगे तो आपका, अगर लाइक यहाँ से लिपस्टिक एंड ऑल ब्लीड कर रही है, ओके गो बैक, लिपस्टिक एंड ऑल ब्लीड कर रही है, तो बहुत अच्छे से ऐसे वाइप ऑफ हो जाएगी. काफी इंटरेस्टिंग. बट अभी ये स्पैचुला जो है वो डर्टी हो गया. अगर आपको इंटरेस्टिंग मेकअप लेने का शौक है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. टॉकिंग अबाउट टिप्सी ब्यूटी, टिप्सी ब्यूटी पे भी काफी अच्छे ऑफर चल रहे हैं. सो अपना फेवरेट दिखाई देती हूँ. सो दिस इज माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम टिप्सी ब्यूटी, सिल्क कुशन ब्लश. ये भी शार्लेट टिल्बरी का बहुत अच्छा ड्यूप है. जो एक्चुअल शार्लेट टिल्बरी का सेम ऐसा ब्लश आता है, वो काफी एक्सपेंसिव आता है. ये टिप्सी ब्यूटी का बहुत सस्ता है. द शेड इज स्ट्रॉबेरी शैम्पेन एंड इट लुक्स लाइक दिस. सो आपको इसको अनलॉक करना होता है पहले.
पहले, एंड देन जब हम यहाँ से पुश करोगे तो बहुत अच्छा कलर निकल के आएगा। हाईलाइटर ब्लश दोनों का एक काम करता है, बहुत सटल ब्लश है, इसमें प्रॉपर वाला ब्लश नहीं है, एक सटल एक ब्लशी लुक आती है, बट दिस इज वेरी नाइस। मैं जब अभी थाईलैंड गई थी मैं यही लेके गई थी, मैंने वहां पर इनफैक्ट इसका रिव्यू शूट किया था एंड आई पर्सनली लव्ड इट। आई एम लिटरली गोइंग इन अ वेरी रैंडम ऑर्डर, मेकअप स्किन केयर हेयर केयर सब कुछ मिक्सअप आ रहा है, बट जो हाथ में आ रहा है मैं आपको साथ साथ ही दिखा रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट और ये हमेशा नायका के वाले बॉक्स में आता ही आता है। दिस इज द सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश, सबसे अच्छा बेसिक फेस वॉश है। मैं जो भी लोग मुझे डीएम जाते हैं ना कहते हैं हमें नहीं पता हमारी स्किन टाइप क्या है लेकिन हमें एक जेंटल फेस वॉश चाहिए, मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ। इट इज़ वेरी वेरी नाइस, फोम एक बहुत डिसेंट बनता है, स्किन को बहुत अच्छे से क्लेंस कर देता है, इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है। लाइक इफ़ यू आर यंग, अगर कोई टीनेजर मेरी वीडियो देख रहा है जिनको एक्ने इशूज इतने नहीं है, आप यंग हो आपको अननेसेसरी कुछ केमिकल एक्सफोलिएटर वाला फेस वॉश नहीं यूज करना, गो फॉर दिस वन। ये आपको अभी 50% ऑफ में श्योर मिल जाएगा, 40-50% ऑफ सिंपल में हमेशा लगा होता है। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, इसके वाइब्स बहुत अच्छे हैं, सिंपल के माइसलर वाटर वाइब्स आते हैं, बहुत अच्छे हैं। सिंपल का माइसलर वाटर भी अच्छा है, माइल्ड है लेकिन अच्छा है। सिंपल का जो मॉइस्चराइजर आता है जेल वाला, वो मेरा फेवरेट है, आई लव दैट वन, वो आप ले सकते हो। सो ये कुछ सिंपल के मेरे फेवरेट्स हैं जो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, बट ये फेस वॉश तो बहुत अच्छा है। इट इज़ लाइक इट हैज़ नो कलर, नो परफ्यूम, नो हार्श केमिकल, इट विल नॉट ट्रिगर योर स्किन बैरियर। एक सिंपल इफेक्टिव और जेंटल फेस वॉश है जो कोई भी स्किन टाइप वाला ईजिली यूज कर सकता है। नेक्स्ट अप इज समथिंग फ्रॉम नायका, ये है नायका का वॉन्डरलस्ट ड्रीमिंग ऑफ पैरिस फाइन फ्रेग्रेंसेस शैम्पेन एंड बेरीज रीजुबिनेटिंग शावर जेल। मैंने वैसे सारी रेंज इनकी देखी है बट दिस इज समथिंग न्यू, ये मैंने कभी स्पॉट नहीं करी, आई थिंक ये न्यूली लॉन्च रेंज होगी, आई एम नॉट रियली श्योर। ड्रीमिंग ऑफ पैरिस इसका नाम है, लुक एट द बॉटल, वाओ सो प्रिटी। नायका लिटरली बाथ एंड बॉडी वर्क्स को आजकल टक्कर दे रहा है, वैसे मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स के भी बॉडी वॉशेस ट्राई करे हैं और वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं तो बहुत लंबे उनकी फ्रेग्रेंस लास्ट करेगी, नो। उससे अच्छा आप ये बेसिक नायका वाला भी ले सकते हो, उसमें खुशबू भी अच्छी आती है, आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से क्लेंस हो जाती है। मैंने इनकी वॉन्डरलस्ट में से एक ब्लू वाली एक रेंज आती है वो मैंने ट्राई करी हुई, आई लव दैट वन, सो वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। जब मेरे एग्जिस्टिंग वाले खत्म हो जाएंगे फिर मैं इसको खोलूंगी। अगेन नायका के अपने बॉडी केयर पर बहुत अच्छी सेल होती है, 40-50% ऑफ आपको मिलता है, फ्रीबीज आपको मिलते हैं। नायका का शैम्पू रेंज बहुत अच्छी है, आप वो ले सकते हो। बॉडी वॉशेज इनके बॉडी मिस्ट बहुत अच्छे हैं, सेम रेंज के इनके बॉडी मिस्ट भी आते हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो नायका के अपने खुद के ब्रांड पे तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी सेल होती है, आप गिफ्टिंग के लिए या फिर खुद के लिए भी कुछ लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। नेक्स्ट आइटम हैज अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग, ये है पॉन्स का ब्राइट ब्यूटी नायसिनमाइड विटामिन B3 एंटी डनलेस फेस वॉश। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, काफी सुंदर इसकी पैकेजिंग है एंड ये एक एंटी डलनेस का फेस वॉश है विच इज क्लिनिकली प्रूवन टू ब्राइटन अप योर स्किन। मैंने अभी तक ये यूज नहीं किया, नो आइडिया अबाउट दिस वन, लेकिन अगर आपने यूज किया, अगर कोई प्रोडक्ट आपने पर्सनली यूज किया, आप उसका एक शॉर्ट रिव्यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, प्लीज कमेंट बिलो अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। आई ऑलवेज से मैं अकेली कितने प्रोडक्ट्स ट्राई कर लूंगी यार, द बेस्ट यू कैन डू फॉर मी इज कमेंट में अपना एक रिव्यू डाल दो। सो जो भी प्रोडक्ट अगर आपने कोई यूज किया, आपका अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वी हैव अनदर लिपस्टिक फ्रॉम स्टेज, ये है स्टेज की मैट इंटेंस कलर इन द शेड स्ट्रॉबेरी डेकरी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। स्टेज की लिपस्टिक एक बार बहुत पहले मेरे एक और पीआर में आई थी, नायका के पीआर में आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने अभी अपने एग्जिस्टिंग किसी एक बैग में डाली हुई है। आई हैव अ हैबिट ऑफ कीपिंग लिपस्टिक्स इन ऑल माय बैग्स, ताकि जब भी बैग शिफ्ट करूं तो एक लिपस्टिक हमेशा होनी चाहिए। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज लिपस्टिक्स आर ये 2-in-1 होती हैं। ओह ये 2-in-1 नहीं है, दिस इज द बेसिक वन। ओह आई थॉट ये स्टेज की वो 2-in-1 वाली लिपस्टिक है, वो मेरे पास रखी है, वो बहुत अच्छी है, बट आई थिंक दिस इज द बेसिक वाला लॉन्च। ये कुछ इस तरह से दिखती है स्टेज, इफ यू डोंट नो इज ओन्ड बाय मामाअर्थ ओनली, जो मामाअर्थ की मेन ब्रांड है होनासा, उन्हीं की ब्रांड स्टेज है। अब ये काफी अच्छा अच्छा मेकअप भी लॉन्च कर रहे हैं। सो ये शेड है स्ट्रॉबेरी डेकोरी, ये दिखता है कुछ इस तरह से, अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूड ब्राउन शेड, काफ़ी सुंदर लग रहा है। नॉट गोना स्वॉच इट बिकॉज ये वाले शेड मेरे पास काफ़ी सारे हो गए हैं एंड आई डोंट वांट टू रुइन देम। काफ़ी बार होता है मैं वीडियो के लिए ऐसे स्वॉच करके दिखा देती हूँ, बट देन आई फील लाइक यार ये किसी को देने लायक भी नहीं रहे, बिकॉज मेरे पास बहुत लिपस्टिक होती है। सो आई ट्राई वैसे कि मैं जितना लोगों को दे सकूँ उतना दे दूँ, सो दैट मैं होल्ड करके उसको चीज़ को एक्सपायर ना करूँ। अब तो मैंने अपना एक प्री लव स्टोर भी बना लिया है, सो जस्ट इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और वहाँ पर मैंने अपना एक ब्रॉडकास्ट बेसिकली ग्रुप बनाया है विच इज़ फ्री टू ज्वाइन, आप सब ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पर मैं डील्स डालती रहती हूँ और आप जैसे वो डील देखो, अगर आपको लगता है आपको लेना है, आप मुझे DM कर सकते हो, आप पे कर सकते हो एंड योर ऑर्डर विल बी बुक्ड। उसके थ्रू बेसिकली मैं जितना भी मेरे पास प्री लव्ड सामान है, फिर कुछ बहुत नया रखा है जो मैं नहीं यूज़ करना चाहती, बिकॉज नाउ आई एम एट अ स्टेज ऑफ माई लाइफ आई डोंट वॉन्ट अ होल्ड स्टफ, आई डोंट वॉन्ट अ कलेक्ट स्टफ। मेरा वो अब स्टेज थोड़ा
निकल रहा है यार, अब भर के नहीं रखना। सो मैं यही करती हूँ, जो भी डील्स आती है मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ कि अच्छा मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्राइस है, मैं इतने प्राइस पे सेल कर रही हूँ, शिपिंग एंड ऑल वो आपको आपके स्टेट के हिसाब से पिन कोड के हिसाब से मैं बता ही देती हूँ। एंड देन ऑफकोर्स यू कैन बाय इट, आपके घर में डोर स्टेप डिलीवरी उस आइटम की हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपने ही मुझे रिकमेंड किया था, मेरी बहुत सारी इंस्टाग्राम फैमिली ने मुझे बोला था कि ऐसा करो सो दैट आपका होल्ड करके फिर वो चीज़ एक्सपायर हो गए ख़राब ना हो। एंड द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग, मैं लिटरली जब भी डालती हूँ फटाफट से वो चीज़ सेल आउट हो जाती है। सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन इट, यू कैन डेफिनेटली जॉइन इन, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट। नेक्स्ट अप इज अ फेस वॉश फ्रॉम मामाअर्थ, ये मामाअर्थ का राइस फेस वॉश विद राइस वाटर एंड नायासिनमाइड। इनके फेस वॉशेस के बड़े मिक्स रिव्यूज होते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं बहुत अच्छा फेस वॉश है, हमारी स्किन एकदम क्लेंज हो गई, काफ़ी लोग कहते हैं बड़ा यूजलेस है, नहीं मज़ा आया। मैं पर्सनली मामाअर्थ के फेस वॉशेज या स्किन के स्पेसिफिकली इतना नहीं यूज़ करती, दैट इज़ अ रीजन वाई आई डोंट वर्क विद मामाअर्थ नाउ। मामाअर्थ का मेकअप मुझे अच्छा लगता है, लिपस्टिक कॉम्पैक्ट जो भी है, बट स्किन केयर का मैं इतनी फैन नहीं हूँ मैं स्किन केयर की। सो अगर आपने ट्राई किया आपको अच्छा लगा गो अहेड, बहुत अच्छी डील आती है मामाअर्थ पे तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। नेक्स्ट ब्रांड इज लॉरियल, लॉरियल का है ये ग्लाइकोलिक ब्राइट डार्क स्पॉट ब्राइटनिंग फेस सीरम, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये इनकी ग्लाइकोलिक रेंज पूरी एक रिलीज हुई है जो बेसिकली डार्क स्पॉट के साथ फाइट करती है। सो अगर आपको एक्ने मार्क्स एंड ऑल के इशू हैं, अगर आप एक अच्छा ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट देख रहे हो ओवरनाइट, मैं तो उसको बोलूंगी रात को ही लगाना, डे टाइम में मत लगाना, बिकॉज इट हैज ग्लाइकोलिक एसिड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इट, 8% मेलासिल प्लस ग्लाइकोलिक एसिड प्लस नायासिनमाइड, सो इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो मुझे ब्रेक डाउन एग्जैक्ट नहीं पता कि किसकी कितनी परसेंटेज है, बट दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर डार्क स्पॉट्स, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। सो अगर आपको भी एक्ने मार्क्स एंड ऑल के इशू आप ट्राई कर सकते हो। मैंने इसका मिनी वाला ट्राई करके देखा, इट इज़ गुड, मेरी स्किन ट्रिगर नहीं हुई, थोड़े बहुत एक्ने को फेड करने में भी हेल्प करता है। एंड रात को यूज़ करने के लिए अगर आप एक अच्छा सीरम देख रहे हो जो स्पेसिफिकली आपके डार्क स्पॉट के साथ फाइट करे, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू दिस वन। नेक्स्ट आइटम इज फ्रॉम फॉक्सटेल, फॉक्सटेल पे भी बहुत अमेजिंग डील है नायका पे, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये है इनका स्किन रेडियंस मास्क, जो पर्पल कलर का मास्क आता है, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, आई डेफिनेटली ट्राई इट, बिकॉज मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर को देखा है इंस्टाग्राम पे इनकी तारीफें करते हुए, यूज़ करते हुए, काफ़ी नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यूज भी मैंने इसके देखे हैं जो लोग कहते हैं बहुत अच्छा मास्क है। तो डेफिनेटली आई ट्राई इट एंड लेट यू नो, अगर आपने ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताना। ये क्लियर करता है पोर्स को, ब्लैकहेड्स को रिड्यूस करता है, स्किन क्लैरिटी को बढ़ाता है। इट हैज़ ब्राज़ीलियन पर्पल क्ले विच इज़ अपेरेंटली वेरी गुड, मैंने सुना है ब्राज़ीलियन पर्पल क्ले जो होती है वो ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करके चलती है। काइलिन क्ले है विच इज़ अगेन अमेजिंग फॉर ऑयली स्किन, एंड लैक्टिक एसिड है जो अल्टीमेटली आपके जो एक्ने मार्क्स होते हैं उसको फेड करने में हेल्प करता है। सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स सीम नाइस, आई विल डेफिनेटली ट्राई इट एंड लेट यू नो। नेक्स्ट अप वी हैव अ परफ्यूम फ्रॉम बेला वीटा, आई ऑलरेडी हैव द फुल साइज ऑफ दिस वन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज सेनोरिटा वुमेन, ये मेरे स्टूडियो रूम में रखा है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। बेला वीटा पे नायका पे बहुत अच्छे डिस्काउंट आते हैं, 50% ऑफ में इनकी मिनी किट मिलती है, अंदर चार छोटे परफ्यूम्स आते हैं एंड वो इतने छोटे नहीं होते, दे आर लाइक गुड साइज, मतलब मेरा अभी तक चल रहा है, साल होने को आया है, मैं बैग्स में रखती हूँ उसको, बहुत अच्छा परफ्यूम है। बेला वीटा के परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, फ्रेग्रेंस इज वेरी अमेजिंग। नेक्स्ट अप वी हैव एन अंडर आर्म रोल ऑन, दिस इज अ फिक्स डर्मा निग्री फिक्स अंडर आर्म लाइटनिंग रोल ऑन, ये डेफिनेटली मैं खोलने ही वाली हूँ बिकॉज मेरे करंट अंडर आर्म रोल ऑन खत्म हो चुके हैं, एक तो इनफैक्ट एक्सपायर हो गया था, मैंने एक दिन यूज कर लिया एंड आई गॉट रियली रेड रेड अंडर आर्म्स, तो मैंने डेट नहीं देखी, वो मैंने थ्रो आउट कर दिया, बट अभी मेरा खाली एक ही अंडर आर्म रोल ऑन चल रहा है विच इज़ बाय निव्या। मैं जब भी जिम जाती हूँ मैं अंडर आर्म रोल ऑन लगा के जाती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे चिपचिपी होती है एंड फिर डार्कनेस होने के चांस होते हैं, बट आई डेफिनेटली ट्राई दिस वन। फिक्स डर्मा इज अ ब्रांड जो डर्मैट रिकमेंडेड है, डर्मैट खुद फिक्स डर्मा के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं और ये अंडर आर्म को लाइटन अप करने का भी क्लेम करता है। इट हैज़ 6% AHA जिसमें है लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड एंड मेंडालिक एसिड, वाओ दिस इज अमेजिंग। इंग्रेडिएंट वाइज काफ़ी अच्छे इसके क्लेम्स हैं, ये पिगमेंटेशन को 2 वीक में रिड्यूस करता है। फ्रेग्रेंस इसकी देख लेते हैं कि फ्रेग्रेंस अच्छी है नहीं अच्छी, इतने अंडर आर्म रोल ऑन आते हैं वो इतने इतने साइज के आते हैं, इसमें मुझे थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है एंड इफ आई जस्ट रोल इट ऑन द फ्रेग्रेंस इज गुड। ओ इट हैज़ अ मेन परफ्यूम फ्रेग्रेंस, या ओ आई लव इट, इज बिल्कुल भी वो फ्लोरल फ्रूटी वाली खुशबू नहीं है, दिस इज स्ट्रेट अप लाइक मेन परफ्यूम विच आई पर्सनली लव एंड मेन कैन ऑल्सो यूज इट विच इज गुड। काफ़ी लड़के अपनी बेसिक हाइजीन का इतना ध्यान नहीं देते, इग्नोरेंट हो जाते हैं, बट आई थिंक मेन को भी अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ करने चाहिए बिकॉज इफ़ यू स्वेट फ्रॉम देयर, आप कितना भी बाहर से अच्छा अच्छा परफ्यूम लगा लो वहाँ से एक स्टिंकीनेस आएगी। सो इट इज़ गुड, अगर आप किसी बॉय के लिए भी देख रहे हो आप डेफिनेटली ये ले सकते हो। एंड एट लास्ट वी हैव मोर लिपस्टिक्स, मुझे लिपस्टिक सारी एक साथ दिखानी चाहिए थी लेकिन मुझे पता नहीं था
था कि इसमें इतनी लिपस्टिक्स हैं. सो लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले है एल्फ की ओ फेस सैटिन लिपस्टिक. ये मुझे लास्ट टाइम भी आई थी बट दैट शेड वॉज डिफरेंट. आई थिंक आई हैव दैट शेड. इसका शेड है मी माई सेल्फ एंड आई. एल्फ पे चल रहा है बाय वन गेट वन. जब भी नायका की सेल आती है हमेशा एल्फ पे बाय वन गेट वन आता है. एंड आई ऑलवेज से इन ऑल माई वीडियोज इनकी मिनी जो पैलेट्स आते हैं ना बाइट साइज वाले आई शेडो वो तो लेना बिल्कुल मत भूलना. बहुत अच्छे आई शेडो हैं. मैंने पर्सनली इतने बड़े बड़े आई शेडो पैलेट्स भी लिए हैं बट एट लास्ट मैं वो मिनी वाला यूज़ करती हूँ बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दोज आई शेडोज आर अमेजिंग. तो बाय वन गेट वन पे आप वो तो डेफिनेटली ले सकते हो. सो दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक. सैटिन लिपस्टिक है. मैग्नेटिक क्लोजर पैकेजिंग है विच इज क्वाइट क्लासी. एंड दिस इज द शेड. वाओ नायका नो माई टेस्ट. नायका को पता है कि मेरा जो लिपस्टिक टेस्ट है वो कैसा है. आई लव दिस न्यू ब्राउन काइंड ऑफ शेड. वेरी ब्यूटिफुल. आई डोंट लाइक टू होल्ड स्टफ. जो मुझे पता है रिपीटेटिव शेड है जो मेरे पास रखे हैं मैं फिर उनको अननेसेसरी नहीं खोलती. नेक्स्ट लिपस्टिक इज फ्रॉम नायका एंड वो शैम्पू लीक होने की वजह से इसकी इस पर भी थोड़ा लीकेज आई थी. थोड़ी पैकेजिंग खराब हो गई बट दीज लिपस्टिक्स आर ऑल्सो अमेजिंग. ये नायका की लिपस्टिक्स हैं. इसकी दिस इज द मैट लक्स लिपस्टिक फॉर्मुलेटेड इन इटली एंड द शेड ऑफ दिस वन इज एथ लेजर. वाओ व्हाट अ शेड. ओ वाओ सारे शेड बड़े सुंदर हैं. मतलब जो भी शेड आए हैं दिस इज द शेड एथ लेजर. दिस लुक्स नाइस. आई एम गोना स्वॉच इट बिकॉज ये मैं रखने वाली हूँ. आई डोंट हैव एनी नायका लिपस्टिक. खाली एक है मेरे पास लिक्विड में. वाओ दिस ग्लाइड्स लाइक बटर. सो प्रिटी. सो दिस इज हाउ एथ लेजर लुक्स लाइक. आई थिंक ये ब्राइडल वैनिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा शेड है बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ब्राउन. इट इज़ नॉट दैट न्यूड. लेकिन एक ऑन फेस रेड या पिंक भी नहीं है. काफ़ी सुंदर शेड है जो आप कोई भी इंडियन वेडिंग इंडियन आउटफिट के साथ बेसिकली चला सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव अ न्यू रेंज बाय नायका. ये रिसेंटली अलग से रिसीव हुई है बाय द वे. दिस इज अ नायका सुपर लाइट रेंज. मेरे पास सबसे पहले उसका रिसीव हुआ है मस्कारा. वाओ आई लव द पैकेजिंग. सो दिस इज हाउ द मस्कारा लुक्स लाइक. नायका की एक पूरी न्यू रेंज आई है सुपर लाइट जो बेसिकली हर चीज क्लेम करती है. काफी लाइट है. इट इज नॉट हैवी एंड मस्कारा भी लाइट. ओह लव द वॉन्ड. लुक एट दिस. द वॉन्ड इज नाइस. इट इज थिक बट इट इज नॉट दैट एक्सट्रीमली थिक. वेरी नाइस. आई एम गोना ट्राई इट. ये डेफिनेटली मैं यूज करके आपको बताऊंगी. आई एम प्लानिंग टू बाय द टिंट एज वेल सो दैट आई कैन डू अ मिनी रिव्यू फॉर यू गाइज. मैं वाइटी शॉर्ट्स पे रील्स पे काफी सारे मिनी रिव्यूज करती हूँ. जस्ट इन केस आपको मेरे वाइटी शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन नहीं आते बिकॉज आजकल यूट्यूब का एल्गोरिथम थोड़ा सा हिल चुका है. सो प्लीज गो टू माई चैनल सर्च माई नेम. आपको शॉर्ट्स पे भर भर के रिव्यूज देखने को मिलेंगे. मिनी व्लॉग्स में बहुत डाल रही हूँ. सो प्लीज वहां जाके जरूर चेकआउट करना. एंड रील्स पर भी ऑफकोर्स आपको मेरे मिनी रिव्यूज देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट अप इज नायका सुपर लाइट फेदर टच लिपस्टिक. कुछ इस तरह से दिखती है. फेदर टच इसका नाम है. द नेम इज फ्लोटी. प्लास्टिकी है बट इट फील्स वेरी लक्स. एंड अगेन द मैग्नेटिक क्लोजर जो आजकल सारी लिपस्टिक्स में आता है. वाओ ब्यूटिफुल. लुक एट द शेड कितना सुंदर है. इट हैज एन रिटन ओवर हेयर. स्वॉच इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द रील. वो एक फील थोड़ी सी अलग होती है. तो डेफिनेटली इस पर एक रील आने वाली है. मुझे लगा ये न्यूली लॉन्च है तो इस पर डिस्काउंट नहीं होगा. मैंने जस्ट अभी चेक किया कि इनकी ये न्यू रेंज सुपर लाइट जो रेंज है जिसमें टिंट्स भी इन्होंने लॉन्च करे हैं विच आर अपेरेंटली वेरी लाइट ऑन योर स्किन. उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड विद दिस आई एम डन विद व्हाट इज इन माय नायका पिंक फ्राइडे सेल बैग. इन सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छी सेल चल रही है. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. जो भी लिंक्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और इन ब्रांड्स पे अगर कुछ और भी मेरा फेवरेट है मैं उसका भी लिंक स्पेसिफिकली डाल दूंगी विद ऑल द ऑफर्स. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना. ये सेल स्टार्ट हो चुकी है. जो आप ये वीडियो देख रहे हो सेल स्टार्ट हो चुकी है. सो डू चेक इट आउट. आपको इन सारे प्रोडक्ट्स पे स्टील डील मिलने वाली है. स्टॉकअप कर सकते हो. वेडिंग के लिए ले सकते हो. किसी को गिफ्ट करना उसके लिए भी ले सकते हो. बेस्ट टाइम है परचेज करने का. सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गिव इट अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.